वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार महाझटका, लाखों बीपीएल परिवारों को व लाखों बीपीएल परिवारों को हरियाणा सरकार ने झटका देने का काम किया है। साथियों, राशन उनको नहीं मिलेगा, व राशन गेहूँ तेल चीनी की बड़ी दुखखबरी, बाजरे की बड़ी दुखखबरी। पीड़ा गुलाबी भाई, जिसका जैसा भी है उन सभी को ये दुखखबरी है भाई। किन किन को दुख खबरी है देख लेना भाई, आप अभी एक मिनट में पता लगा लोगे भाई। मन ने परेशानी आएगी या नहीं आएगी, मन ने तेल मन ने मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा केंद्र का भाई कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई, कब चली गई, ये आदेश कब आया, कब चले गए, इस योजना में बदलाव कब हुआ, कब चला गया, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ, इस योजना की लिस्ट कब जारी हुई, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है भाई, या तो जुड़े नहीं या देखते नहीं। नायब सैनी ने ऐलान कब किया, घोषणा कब की, बस सब कुछ देने का काम करते हैं। चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं, बट डिस्क्रिप्शन में थम सारा ना व्हाट्सएप लिंक मैंने दे दिया है, व्हाट्सअप ग्रुप का भाई, व्हाट्सअप ग्रुप भी जरूर जुड़ना है। और भाई सीधा मुद्दे पर चलते हैं। 1250 डिपो के लाइसेंस खत्म, गरीबों को राशन लेना मुश्किल। भाई गरीब कौन है भाई, वैसे तो गरीब कोई नहीं है, 44 लाख हरियाणा में गरीब बने बैठे हैं, इनमें गरीब नहीं है भाई, ईमानदारी से 10,000 भी, पूरे हरियाणा के अंदर मुश्किल 10,000 लोग ऐसे हैं जो गरीबी के लायक हैं, जो बीपीएल के लायक हैं, ठीक है, लेकिन बने सब बैठे हैं। तो भाई कागजन जो गरीब साथियों, 1250 डिपो के लाइसेंस खत्म है। अब जब डिपो के 1250 के लाइसेंस खत्म हो गए, डिपो का मतलब जो राशन बांटने वाला राशन डीलर या डिपो होल्डर जिसे भी आप कह देते, तो इनको भी लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। तो साथियों, अब इनका लाइसेंस खत्म हो गया, तो इनका हो गया 1250 जो है जो साथियों, आप सभी को पता होता है कि लाखों लोगों को राशन बांटते हैं, 1,000 कार्ड प्रत्येक को सोते हैं, तो भाई गरीब यानी पीला गुलाबी राशन वालों को राशन लेना मुश्किल हो गया। अब इनका वो लाइसेंस कैसे खत्म किया गया, हरियाणा में 60 साल की आयु पूरी कर चुके 1250 राशन डिपो संचालक हो गए, लाइसेंस खत्म हो गए। मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर 31 मार्च तक सटे लगाया हुआ था। खाद्य आपूर्ति विभाग की नीति के अनुसार 60 साल से उम्र के अधिक के सभी राशन डिपो धारकों के लाइसेंस पहली अप्रैल से स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे, यानी अपने आप इनके कैंसिल हो जाएंगे। जिनकी 60 साल उम्र हो चुकी है, 1 अप्रैल से इनके लाइसेंस कैंसिल सरकार ने कर दिए हैं, और इनके उन पर जो है राशन डिपो पर सरकार ने इनके उस पर जो है तो पक्का राशन भी नहीं भेजा है। अब इनके लिए बड़ी परेशानी आ गई। अब मान लो आपके गाँव का 60 साल पार कर चुका है, अब आपके लिए राशन इस महीने मिलना बहुत मुश्किल, बड़ी दिक्कत आपके लिए सामना करना पड़ेगा। वहीं प्रभावित राशन डिपो संचालकों की नजर अब हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। प्रदेश में कुल 9500 राशन डिपो, भाई 9500 राशन डिपो है हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिनके माध्यम से गरीब परिवारों को राशन दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने डिपो धारकों के लिए नई पॉलिसी बनाई थी, नए नियम कानून जो है डिपो धारकों के लिए सरकार ने बनाए थे, जिसके तहत जिसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी साथियों, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले डिपो धारकों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा, यानी लाइसेंस नॉट बी रिन्यूएबल, लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा आफ्टर क्रॉस 60 ईयर, यानी 60 साल की उम्र पार करने के बाद डिपो होल्डर के उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। तो इन रिन्यू नहीं होगा, इनको राशन भी अभी इस महीने नहीं भेजा जा रहा है इनके सेंटर पर। अब जो इनके साथ जो डिपो होल्डर हैं, जो राशन वाले भाई हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई है। साथ ही इन डिपो को नज़दीकी डिपो से जोड़ने का जो है अटैच किया जाएगा, जहां गरीब परिवार राशन ले सकते हैं। नए नियम को कैथल डिपो होल्डर एसोसिएशन ने चुनौती दी हुई है। मामले में हाल ही में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों से संपर्क करते हुए कहा कि फैसला उनके पक्ष में आया। इस पर संबंधित अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के वकील से संपर्क साधा, तो उसने भी सूचना को सही बताया, परंतु विभाग को हाईकोर्ट से अभी तक इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ। विभाग को हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। ये जो है हाईकोर्ट के अंदर भी पलायन कर गई। हाईकोर्ट में इन्होंने कहा कि जी ये 60 साल की नीति है, अब जब 60 साल के सरकारी मुलाजिम हमें मानते हुए रिटायर कर रहे हैं, तो इनको तनख्वाह भी तो हमें दे दें, पेंशन दे दें, रिटायरमेंट दे दें डिपो होल्डर के हाईकोर्ट में। तो सरकार की होश गुम, फिर सरकार ने फिर हाईकोर्ट ने कहा इनको एक्सटेंशन दीजिए, तो अब ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। बाकी इनके लिए बड़ी परेशानी हो गई है।
पीड़ा गुलाबी। अब जो ऐसे 1250 गांव है ना वो पिस गए, अब ना तो उनके पास राशन जाएगा ना उसको सरकार भेजेगी, ना ही नए वाले को जो 10 किलोमीटर दूर से आपको राशन लाना पड़ोसी गांव से उसको भी नहीं भेजेगी। तो ये जो है बड़ी दिक्कत का सामना यहाँ करना पड़ रहा है, मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, बीपीएल वालों के लिए बड़ी दुखखबरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।